राजनांदगांव जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस का संक्रमण अभी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है। जिले में रोज 1 से 2 मरीज सामने आ रहे हैं। मौसम में आए बदलाव के चलते वायरल फीवर के केस भी बढ़ गए हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ओपीडी में सामान्य दिनों में 400 से 500 मरीज आते हैं, पर सप्ताह भर से ओपीडी की संख्या 700 से 800 तक पहुँच गयी है। इसमें सर्दी खांसी और बुखार से पीड़ित ज्यादातर मरीज सामने आ रहे हैं। डॉक्टर की सलाह के बाद भी ज्यादातर लोग कोरोना की जांच नहीं करा रहे हैं। आपको बता दें, शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। ज्यादातर मामले वायरस के हैं, जिसमें सर्दी बुखार से संबंधित मरीज यहां पहुंच रहे हैं और अपना उपचार करा रहे हैं। वहीं लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है, लोग कोरोना जाँच नहीं करा रहे हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव दर 0 तक पहुँच गयी है। ऐसे में लोगों की लापरवाही जारी रही तो फिर से संक्रमण का दर बढ़ सकता है। इस मौसम में ज्यादातर कामकाजी लोग ही वायरल फीवर की चपेट में आते हैं, क्योंकि धूप और बारिश में भी घर से बाहर निकलते हैं। साथ ही डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा बारिश में भीगने से बचें, और घर में किसी को वायरल फीवर हो तो अकेले रहें। क्या है कि ये तो है सिंपल टाइप का ही वायरल है, जो 5-7 दिन के अंदर तो उतर ही जाता है। लेकिन जो ये वायरल फीवर है, तो वायरल इन्फेक्शन अभी जो अपना कोरोना का जो है थर्ड वेव के बारे में बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कुछ पेशेंट तो है ही कोरोना के, और ये क्लंप में और भीड़ में बिना मास्क के और जो सभाएं चल रही है उनके कारण उसका इन्फेक्शन रेट फैलने के चांसेस है। इसीलिए अभी क्या प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा लेना है, हैंड वॉश करते रहना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क लगाए रहना है, बहुत ज़रूरी है। और ये तो अभी चलते रहेगा, क्योंकि रेनी सीजन आ गया है, तो बरसात में खांसी सर्दी सभी होती है, और खांसी सर्दी का एक ही इंडिकेशन ज़्यादा दिखता है, जिसमें वायरल डेंगू आपका मलेरिया ये सब फैलता है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस। मौसम के चलते लगातार लोगों में वायरल फीवर की शिकायत आ रही है, और शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ओपीडी की संख्या अब सामान्य दिनों की अपेक्षा 700 से 800 हो गई है। कहीं न कहीं यह चिंता का विषय है, और लोगों की लापरवाही भी चिंता का सबब बनती जा रही है। लोग कोरोना जांच नहीं करा रहे हैं।